हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक और पबजी मोबाइल की वीडियो में। तो भाई ये वीडियो हम रैंडम्स के साथ खेल रहे हैं भाई ये मैच, और ये वीकेंड ही है। तो भाई अब बस हम अभी विला उतरेंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर जितने भी बंदे बंदे आएंगे, बॉट हो या बंदे हो पता नहीं, वो उन लोगों को मारेंगे और फिर आगे जाएंगे। और भाई इस मैच में हमें दो फ्लेयर मिलती है लिटरली, अभी आपको खुद पता लगेगा वो दो प्लेयर हमें कहाँ मिली, किससे मिली, किसे मिली। तो यहाँ पर बस एक ही असली बंदा आया होता है, तो उसे मैं फिनिश कर देता हूँ। शायद ये भाई हमारे सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे थे, तो भाई इनका तो सीधा ही डायरेक्ट ही किल हुए हैं ये। और यहाँ पर हमें और कोई मिलता नहीं है, बस दो चार बॉट मिलते हैं, उन्हें मार के अब हम यहाँ से जाएंगे आगे और बंदों को देख। तो भाई वहाँ से लूट वूट करने के बाद हम सीधा ये इन्हीं घरों में आ जाते हैं। और भाई अब इन घरों में ना यार बहुत इंटेंस फाइट होने वाली है भाई, और आपको बहुत जल्द एक क्लच भी देखने को मिलेगा भाई, बहुत मज़ा आएगा आपको पूरी वीडियो देखना। तो अभी बस हम यहाँ पर लूट ही रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि भाई ड्रॉप वॉप आया है क्या, और बॉट वॉट ढूंढ रहे होते हैं, बट हमें वो सब तो नहीं मिलता। इसके अलावा भाई बहुत चीज़ें मिल जाती है, बस आप देखिए यार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके Marked a location. I need consumables. Let's go. Okay. Bring up voice chat. No. I'm really sorry. Okay. तो यार यहाँ पर हम टाइम पास कर रहे होते हैं, और उतनी देर में भाई पूरी स्क्वाड आ जाती है। और भाई हमारे एक भाई बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं, तो वो सीधा नीचे कूद जाते हैं और वो नॉक हो जाते हैं। और भाई दूसरे जो हमारे थर्ड नंबर भाई होते हैं वो भी मर जाते हैं भाई, वो ऊपर होते हैं और एक बंदा ऊपर आ जाता है। तो यार यहाँ पर जो बंदा आता है उसे मैं संभाल लेता हूँ, और अब यार मैं शांत रहूँगा। अपनी पूरी इंटेंस फाइट देखी है, मेरे तीनों टीममेट्स नॉक्ड है, और अब एक क्लच देखने को तैयार कर लिया। तो यार अगर आपको ये क्लच अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, और वीडियो को शेयर भी कर देना। और भाई कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मेरे को कोई और मैप भी ट्राई करना चाहिए क्या। और यार अच्छा है यार उन लोगों ने इन मेरे टीममेट्स को खाया नहीं भाई पूरी तरह से, अगर खा जाता तो आगे प्रॉब्लम हो सकती थी।
बट यहाँ पर भाई मैंने पूरी सिचुएशन को संभाल लिया था। काफी मजा आया था इस खेल में। ये बहुत ज्यादा इंटेंस भी हो गई थी। और अब भाई इन्हीं से ही मेरे को दो प्लेयर मिल गए। मतलब एक ही बंदे के पास दो प्लेयर की एमओ थी। सोचो भाई अगर ये लोग फ्लेयर चलाते और फिर आते तो भाई ज़्यादा अच्छी गने मिलती इनको, और तब हम हो सकता था कि बढ़ जाए हम सब लोग, क्योंकि एक बंदे ने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया था मेरे को। बट कोई बात नहीं, अब ये फ्लेयर हमारी है तो इसे हम ही यूज़ करेंगे। तो बस अब हम जोन में जा रहे होते हैं अपनी फ्लेयर चलाने। എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാ എന്റെ എടുക്കുക? 8x ആണോ? 3x ആണോ? 3x ആണോ? 3x ആ മുക്കി ഞാൻ ഐ ഗോട്ട് സപ്ലൈസ് ആ ബോക്സിൽ ആക്കി പെട്ടെന്ന് റസ്ക ബാബ് അതുപോലെ ശരിയാണ് അടിപൊളി Get to the safe zone ASAP. Get in the car. I'm out. Need ammo. तो वहाँ से हम भाई सीधा यहाँ जाते हैं अपनी फेयर चलाने के लिए। और वैसे भी देखो अब से मैं ना 8 ही जने बाकी है, तो हमारे पास काफ़ी टाइम होता है, इसलिए हमने दोनों प्लेट चला दी। और भाई इसमें जो भी गने आएगी वो तो पहले हमारी ही होनी है। तो बस देखिएगा आप यार कौन कौन सी गने आएंगी, क्या मेरी फेवरेट गन आएंगी। और यार अगर आपको पता है कि मेरी फेवरेट गन कौन सी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो यार एक ही ड्रॉप में हमारी दोनों फेवरेट गन्स आ जाती है, ग्रोजा और MK14। भाई अब मेरे में कुछ ज़्यादा ही जोश आता था और मैं अब सीधा जहाँ बंदे होते हैं वहीं पे निकल देता हूँ। मेरे टीममेट्स मार्क करते हैं आगे की साइड बंदे अभी, और भाई मैं सीधा निकल लूँगा क्योंकि आपको पता है भाई मेरे को कितनी अच्छी लगती है ये दोनों गन्स। तो यार दूसरे ड्रॉप में M249 आई थी, और दूसरी गन तो हमें पता ही नहीं चली भाई कौन सी आई थी। मेरे टीममेट्स पहले ही चाट गए। बट कोई बात नहीं, ओम नहीं आई थी और मेरे को सिर्फ ग्रोजा और ओम चाहिए थी। बट MK भी काफ़ी अच्छी है भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे को एक बंदा स्पॉट हो जाता है, वो इसी साइड आ रहा होता है, बट मैं यार उसे मार नहीं पाता हूँ, डैमेज तक नहीं दे पाता हूँ। तो ये 6x पूरा खुला हुआ था, मैं इसे जूम आउट करना ही भूल गया था। बट कोई बात नहीं भाई, अब इतने अच्छे गने ली है हमने तो
चिकन भी निकाल के ही रहेंगे, अब पूरी जान लगा देंगे चिकन निकालने में। बस अब वीडियो को पूरा देखना। Marked a location. तो भाई अब बस यहाँ पर चार ही जने बाकी होते हैं और अब हमें वो पूरी स्क्वाड स्क्वाड हो जाती है। तो सामने की साइड होती है, बट मेरे को लग रहा होता है जो एक बंदा आया था वो इन घरों में गई है, बट वो भी पीछे चल जाता है वापस। तो अब भाई इतनी अच्छी गन है तो अंदर रश करेंगे यार, और हमें भाई जोन में भी जाना होता है और जोन उन पे होता है, इसलिए हम देरी नहीं करते बिल्कुल भी और सीधा जोन में जाते हैं। तो यार जो सोलो बंदा इस साइड आया था उसको तो हमारे टीममेट संभाल लेते हैं। मेरे को लग रहा होता है कि वो सेम टीम का होता है और वो पीछे चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ उस बंदे को मारने की, बट ऐसा नहीं हो पाता है, शायद ग्लिच हो गया था या फिर मैंने अभी भी यार पूरा ही जूम था ये तो इसलिए नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर बस दो ही जने बाकी होते हैं, एक्चुअली दो भी नहीं, एक तो नॉक हो जाता है, बस एक ही जना बाकी होता है। और भाई मैं चाह रहा होता हूँ कि वो किल मेरे को ही मिले, क्योंकि देखो आखिरी किल का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैं भाई अंधों की तरफ भगता हूँ बस उसके पीछे अब, क्योंकि ग्रोजा होती है और वो स्पॉटेड होता है पूरा, तो मैं उसे मार देता हूँ। तो बस यार ये देखो अकेला होता है, इसलिए टीम अप करना चाह रहा था बट हम नहीं चाहते थे क्योंकि देखो अकेला था। चलिए तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड बाय बाय।